हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आप में से कुछ स्टूडेंट्स राइटिंग सैंपल के बारे में पूछ रहे थे कि सर हमें 6, 6.5 की राइटिंग सैंपल दीजिए, कुछ पता चल पाए कि कैसे राइटिंग बैंड स्कोर आते हैं कैसे नहीं। स्टूडेंट, ये सब चीज़ आपको सैंपल दे रहा हूँ। बैंड स्कोर कैसे मिलता है ये तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टूडेंट कुछ टीचर्स के सीक्रेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको बताता हूँ इस बच्चे ने कितना बढ़िया लिखा है। ये अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट 6, 6.5 की राइटिंग है। आप इस देख लीजिए कि किस बच्चे ने कैसे होल्ड किया है, कैसे लिखा है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रो की। स्टूडेंट्स, नाउडेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफन हैव ए चॉइस ऑफ प्लेसेस टू स्टे देयर ड्यूरिंग देयर स्टडिंग टाइम। दे मे सेलेक्ट टू लिव इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स डॉर्मिटरीज बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। एंड दे मे आल्सो सेलेक्ट टू स्टे इन अपार्टमेंट इन दी कम्युनिटी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ऑन व्यू इन नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंट्रो दीजिए इसने, देखिए आगे। इन दिस मॉडर्न सिनारियो एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट फॉर पीपल्स टू मेक फ्यूचर ब्राइट, बट देयर स्टडी प्लेसेस आर far away from their houses, so they have to stay in university dormitories and apartments during their study time. Along with this, if students select university dormitories for living there, then it is very much beneficial for them because they can get a study environment. They can get study environment. What from this, they can keep in touch with their teachers every time. So if they find any difficulty in their study, then they can easily consult with them. Okay students, अगर देखिए इस रेंड का शार्टर लगाया था। In conclusion, pupils can take part in extra curriculum activities which organized at nights. Okay students, ये भी एक benefits है। Besides, library facilities always available there, so they can obtain more advantages in hostel. Additionally, they can reach their university at correct time and gain extra classes. Join extra classes. Besides, they can learn discipline and teamwork. Okay, students, इसके ideas भी students जो मेरे ideas तो मेरे दिए हुए हैं, but इन्होंने लिखा है कुछ इस चीज़ का। स्टूडेंट, देखिए ये ideas भी आप दे सकते हैं कितने आप बढ़िया आइडियाज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आइडियाज़ भी एक मेन रोल निभाता है स्टूडेंट्स आपकी राइटिंग में एक अच्छा स्कोर लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इस बच्चे ने पहले दो बार एग्जाम दिए हुए राइटिंग में 6.5 इसके आए हुए हैं, बट हर बार के दो बार एग्जाम में थोड़ा कमी रही थी, तो वो थी रीडिंग में स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं आगे की कि इस होस्ट अपार्टमेंट्स में रहने के क्या फ़ायदे हैं। नोट विद स्टैंडिंग अपोजिट साइड स्टूडेंट्स, तो देखिए, लिविंग इन अपार्टमेंट इज आल्सो वर्थ वाइल फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज दे कैन गेट मोर फैसिलिटीज दैन लिविंग इन हॉस्टल। If pupils stay apartments, then they can gain a lot of better facilities such as beautiful room, better food, good ambience. Along with this, they have more freedom, so they can go everywhere and anytime. ये भी एक benefit है students. Additionally, they can become independent and share their rent of apartment. Okay students, अपना जो rent है वो भी students के साथ share कर सकते हैं students. ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हॉस्टल में रहने का। देयर फोर, इसने देयर मोर लगा दिया इसलिए मैंने थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, देयर फोर स्टूडेंट्स इसके लिए। दे डोंट हैव टू पे मोर अमाउंट फॉर लिविंग देयर। ओके स्टूडेंट्स, हॉस्टल में उन्हें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है स्टूडेंट्स, बट जो रहते हैं हॉस्टल्स में तो अच्छे से उनको जो अपार्टमेंट अपना फ्लैट खरीदते हैं तो ये अपनी मनी को आपस में शेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए उनका जो एक्सपेंसेस होता है वो कम होता है स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहने का, ये भी एक बेनिफिट है। कंक्लूजन देखिए स्टूडेंट्स, बोथ लिविंग प्लेसेस आर वेरी गुड एंड एडवांटेजेस फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, हाउएवर आई वुड प्रेफर टू स्टे इन यूनिवर्सिटी डॉर्मिटरीज बिकॉज। ओके स्टूडेंट, शार्टर लगा सकते स्टूडेंट ऐसे ऐसे, इन्होंने पहले कोमा लगा दिया, लाइन को एंड कर दिया, तो ये शार्टर है इट इज़ बिकॉज। ओके स्टूडेंट्स,
because students can get more facilities to learn a lot of things such as डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चीज़ है स्टूडेंट्स तो हॉस्टल्स में नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे एक साथ रहेंगे हॉस्टल्स में तो टीम वर्क के बारे में पता चलेगा और डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा उन्हें हॉस्टल में, तो ये एक खासियत है स्टूडेंट्स तो उन्हीं स्टूडेंट्स से मिलेंगी तो हॉस्टल में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आई वुड प्रेफर टू लिव देयर, कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स मीन्स इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन की स्पेलिंग का सी तो मैंने राइट कर दिया, अभी जब भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स रे थी स्टूडेंट्स 6.5 राइटिंग, 6.5 मैथ स्कोर की राइटिंग स्टूडेंट्स, कुछ मिस्टेक्स आए तो आप ध्यान से देख लीजिए क्या मिस्टेक्स थी, तो मैंने करेक्ट की हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ऐसे ही सैम्पल और भी पाने के लिए मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।